बिग बॉस के जो मेकर थे उसकी तो भाई माननी होगी क्या प्लानिंग की हो। उन सभी को पता था कि इस हफ्ते जो बिग बॉस 15 का वीकेंड का वार है उसका सामना होगा T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के मैच से, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि T20 विश्व कप का आगाज हो चुका है और आज है भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। तो ऐसे में जो बिग बॉस की TRP है उसमें तो गिरावट आनी निश्चित ही थी, लेकिन उसके लिए बिग बॉस ने भी कड़ी तैयारी करके रखी। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि कल के जो वीकेंड का वार था उसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को नहीं दिखाया गया, दो गेस्ट को बुलाया गया, उसके बाद कुछ टास्क करवाए गए और सलमान खान जो है घर के वालों के साथ ज़्यादा रूबरू भी नहीं हुए और किसी भी मुद्दे पर बात भी नहीं की। और आज का जो वीकेंड का वार रहने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि आज सलमान खान हर एक उस मुद्दे पर बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते हुआ है, और ख़ास करके करण कुंद्रा ने जिस तरीके से प्रतीक सहजपाल को उठा करके पटक दिया था वो मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म होने वाला है, उस पर बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं होगी। सलमान खान उस पर बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस पर करण कुंद्रा इमोशनल होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि करण और जो प्रतीक है उन दोनों के बीच में एक इमोशनल कंटैक्ट है। ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं, कई शो में एक दूसरे के साथ ये रह चुके हैं, एक ही शो का हिस्सा रह चुका है, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बन गया है और ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करती है। और कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ भिड़े, और जो वाक्य हुआ है उस पर करण कुंद्रा जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आएंगे और यही सारी चीजें वो कहेंगे कि जो प्रतीक है वो मुझे इफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं मैं प्रतीक से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, प्रतीक इस तरीके की चीज़ें करता है तो मैं हॉट होता हूँ, और तमाम चीज़ों की बात रखते हुए वहाँ पर करण कुंद्रा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हुए भी नजर आएंगे, जिस पर सलमान खान करण कुंद्रा को फटकार लगाते हुए नजर आएंगे कि अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ किया तो आप जो है शो से बाहर भी हो सकते हो और आप इसी बार बाहर हो जाते अगर इस पर जो है प्रतीक स्टैंड लेता तो। इस तरीके से सलमान खान करण कुंद्रा को फटकार लगाएंगे और तमाम जो चीज़ें हुई है इस हफ्ते उन सभी चीज़ों पर सलमान खान बात करेंगे। तो सलमान खान ने वर्ल्ड कप में जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला है आज उसको टक्कर देने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी करके रखी है, और आज का जो बिग बॉस का वीकेंड का वार होगा वो देखना होगा कि कितने हद तक जो है वर्ल्ड कप में आज भारत और पाकिस्तान की मैच जो है उसको टक्कर दे पाएगी। हालांकि सभी लोग जो है मैच की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन जब बिग बॉस का समय होगा उस समय लगभग एक पारी खत्म होने पर होगी तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन देखना होगा कि किस हद तक इफेक्ट पड़ता है वर्ल्ड कप का। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो बिग बॉस के मेकर्स थे उन्होंने इस तरीके की तैयारी भी की है कि जितने भी हाईलाइट्स हैं जितने भी बड़े मुद्दे हैं वो सारे आज दिखाए जाएंगे, आज टेलीकास्ट होंगे, और कहीं ना कहीं यही प्लान है कि T20 वर्ल्ड कप से जितना कम हो सके उतना ही खतरा मोल लिया जाए, क्योंकि TRP में तो गिरावट आनी ही है, लेकिन उसको जो है डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश बिग बॉस के द्वारा पूरी तरीके से की गई है। तो आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखेंगे या फिर बिग बॉस 15 का वीकेंड का वार देखेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही अपडेट आएगी जरूर देंगे, बने रहिए हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। और एक बात बता दूँ कि इस हफ्ते किसी का इविक्शन नहीं होगा, नो इविक्शन होगा इस हफ्ते बिग बॉस 15 के घर से, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार, धन्यवाद।